नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की कई कमेंट के बाद हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोटो G54 एंड F14 के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। और इस वीडियो के जरिए देखेंगे कि आखिर 15,000 के अंडर में आने वाले इन दोनों फ़ोन में से आपको किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस फास्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। सबसे पहले बात करेंगे मोटो G54 की। तो दोस्तों, इसमें आपको डायमेंसिटी 7020 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। यहाँ आपको IMG VXM GPU मिल जाता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 13 पर रन करता है। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो यह दो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, इसका प्राइस 14,000 रुपये है। वहीं 12GB रैम के साथ 256GB, इसका प्राइस 16,000 है। वहीं गैलेक्सी F14 की बात करें तो इसमें आपको एक्जीनोस 1330 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। माली G68 इसमें आपको GPU मिल जाता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 13 के साथ One UI 5.1 पर रन करता है। इसमें भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो यह फ़ोन हमारे पास 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला है। इसका प्राइस भी दोस्तों ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास ही है। अब हम करेंगे इन दोनों फ़ोन के बीच एक छोटा सा रीबूट टेस्ट, और रीबूट टेस्ट में देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। दोस्तों, यहाँ दोनों फ़ोन की अगर रीबूट टेस्ट की बात करें तो रीबूट टेस्ट में आपको मोटो G54 फास्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी F14 5G। अब हम करते हैं दोनों फ़ोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और इस स्पीड टेस्ट के जरिए हम आपको क्लियर बताएंगे कि इन दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा स्पीड परफॉर्मेंस या डेली बेसिस यूजेस के लिए। दोस्तों, यहाँ दोनों फ़ोन की अगर हम स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फ़ोन स्पीड टेस्ट के मामले में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 बार एप्लीकेशन मोटो G55 में पहले लॉन्च हुए हैं, वहीं 5 बार ही गैलेक्सी F14 में पहले लॉन्च हुए हैं, और 2 बार दोनों फ़ोन में सेम टाइम में एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्पीड टेस्ट के आधार पर दोनों फ़ोन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। रैम मैनेजमेंट की अगर यहाँ हम बात करें तो दोस्तों मोटो G54 में आपको 8GB की रैम मिलती है, जबकि F14 5G में आपको ओनली 4GB की ही रैम मिलती है। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रैम मैनेजमेंट के मामले में आपको मोटो G54 बेहतर देखने को मिलता है, या फिर इसमें ज़्यादा रैम होने की वजह से यह अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर ओवरऑल दोनों फ़ोन की बात की जाए तो 14,000 रुपये के प्राइस में आने वाले इन दोनों फ़ोन में से आपके लिए मोटो G54 बेहतर रहेगा। बस यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।